इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। वैसे बेलगाम शहर में आज भी सियासी गर्मियां जारी, इससे पहले सुर्खियां। आज वजीर आला बीएस येडियुरप्पा की मौजूदगी में लोकसभा बेलगाम के लिए भाजपा के उम्मीदवार मंगल आंगड़ी की उम्मीदवारी दाखिल की गई। दूसरी सबसे बड़ी खबर, साबिक रियासती वजीर रमेश जारकीहोली मामला अब क्लाइमैक्स में पहुंच चुका है। सीढ़ी गर्ल पहुंची अदालत, रमेश जारकीहोली पहुंचे कोल्हापुर मंदिर। येडियुरप्पा तमाम इजलासों को रद्द कर अचानक बेंगलोर रवाना। बेलगाम जिले में आज कोरोना के मरीजों की तादाद पहुंची 19। मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों का कल एहतजाज, किसान कायद राकेश सिंह टिकट बेलगाम में। एम के हुबली दरगाह के सज्जादा नचीन सैयद आदम उर्फ कमालुद्दीन शाह कादरी का इंतकाल। आखिर में नांदेड़ में सिखों का पुलिस पर हमला। खबरें तफसील में। आज सियासी सरगर्मियों वाला दिन तो रहा, खासकर सुरेश अंगड़ी की अहलिया मंगल अंगड़ी को भाजपा की उम्मीदवारी दी गई, लिहाजा इसी के मद्देनजर आज वजीर आला येडियुरप्पा के साथ दिगर भाजपा सियासी माहिरीन भी शरीक रहे। मंगल आंगड़ी की उम्मीदवारी आज डीसी बेलगाम दफ्तर में दाखिल की गई। इस वक्त वजीर आला येडियुरप्पा, रियासती सदर नलीन कुमार कटील भी मौजूद थे। उन्होंने डीसी हरीश कुमार को अपना चौथा उम्मीदवारी अर्जी दाखिल की। इस वक्त काफी पुलिस इंतजाम भी किया गया था, लिहाजा कोरोना के मद्देनजर महज मखसूस कुछ ही लोगों के साथ उम्मीदवारी अर्जी दाखिल की गई। वजीर आला येडियुरप्पा की आमद पर अक्सर सड़कों को बंद किया गया था, जिसे आवाम को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वजीर आला येडियुरप्पा ने साफियों से मुखातिब होकर कहा कि मंगल आंगड़ी की जीत यकीनी है, ना सिर्फ बेलगाम बल्कि मस्की और बसो कल्याण में भी भाजपा की जीत दर्ज करने जा रही है। सीढ़ी मामले को लेकर पूछे सवाल पर वजीर आला ने चुप्पी साधी और तहकीकात जारी है कहते हुए इन सवाल के जवाब देने से बचने की कोशिश करते हुए, वैसे आज अगर पूरे दिन की ही नहीं पूरे महीने की सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो गलत ना होगा। पिछले तकरीबन एक महीने से रमेश जारकीहोली सेक्स सीडी को लेकर तरह तरह की खबरें गश्त कर रही थी। अक्सर रमेश जारकीहोली ने भी यही कहा था कि उस सीढ़ी में वो खुद नहीं है बल्कि इनका हम शक्ल है। अगर इसमें सच्चाई है तो लड़की खुद गवाही के लिए सामने क्यों नहीं आती। बहरहाल इस कहानी आज अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती नजर आई। पिछले कुछ दिनों से लड़की खुद अपनी दास्तान को वीडियो के जरिए मंजरेआम पर ला रही थी। आखिरकार आज लड़की को अदालत के ही खुफिया जगह पर हाजिर किया गया और तकरीबन एक घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की गई। क्या वाकई अब मामला रमेश जारकीहोली के लिए संगीन बनता जा रहा है? ऐसा सवाल भी कईयों की जानिब से पूछा जा रहा है। कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार इसके पीछे होने की बात कही जा रही है। तो सतीश जारकीहोली की उम्मीदवारी दर्ज कराने के लिए जब बेलगाम तशरीफ लाए थे डीके शिवकुमार, तो रमेश जारकीहोली हिमायतों ने इनकी कार पर हमले की कोशिश की थी और काले परचम दिखाए गए थे। गोकाक में भी इस मामले को लेकर एहतजाज के जुलूस भी निकाले गए। आज लड़की की अदालत में पेशी से मामला नतीजेकन मोड़ पर पहुंच चुका है। लड़की बार बार रमेश जारकीहोली पर इल्जाम लगा रही है, लिहाजा आज अदालत में खुफिया तौर पर पेशगी की गई। 2 अप्रैल को फिर से रमेश जारकीहोली को एसआईटी के सामने हाजिर होना है। यह भी बात सामने आई है कि एसआईटी ने जितनी बार भी सीढ़ी में मौजूदगी पर सवाल पूछा तो रमेश जारकीहोली अपने जवाब इधर उधर देते रहे और उन्होंने इनकार किया। अब जब खुद लड़की एतराब करेगी तब क्या लड़की के बयान पर रमेश जारकीहोली की गिरफ्तारी अमल में आएगी? ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। वही दूसरी ओर आज रमेश जारकीहोली गोकाक फॉल्स रास्ते से कोल्हापुर महालक्ष्मी दर्शन के लिए महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। कल रमेश जारकीहोली अपने घर में मौजूद थे, आज कोल्हापुर मंदिर के लिए निकल पड़े। वही दूसरी ओर सीढ़ी गर्ल अदालत में पहुंच गई। सियासी गलियारों में यह भी बहस जारी है कि आखिर इस मामले की इंतहा यानी कि अख्ताम क्या हो सकता है। वही भाजपा में भी इस पर मुख्तलिफ राय देखने को मिल रही है। बीजापुर के यत्ना पाटिल ने येडियुरप्पा और डीके शिवकुमार एक ही हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसा कहते हुए कहा कि डीके शिवकुमार पर येडियुरप्पा काफी नरम है। आने वाले दिनों में भाजपा की हुकूमत तो रह सकती है पर येडियुरप्पा वजीर आला नहीं रहेंगे, लिहाजा येडियुरप्पा और डीके शिवकुमार की मिली भगत है, ऐसा भी इन्होंने कहा। आज येडियुरप्पा ने कोरोना के मद्देनजर पूछे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह का लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लिहाजा तमाम एहतियाती तदाबीर आवाम को अख्तियार करने होंगे। मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, किसी तरह के इज्तिमाई इजलास नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह पर बात तो कही पर अमल कहीं पर करते कोई नजर नहीं आ रहा। खुद भाजपा के लोग ही
इस पर किसी तरीके की संजीदगी का मुजाहरा करते नहीं दिखाई देते। वजीर आजम और वजीर आला खुद तो मन की बात के जरिए कोरोना कितना खतरनाक है इस पर बात करते, पर खुद लाखों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं। कहने का मतलब, यह अक्सर बातें बहुत होती है पर होता कुछ नहीं, कीमत महज गरीब आवाम को ही चुकानी पड़ती है। जाहिर है ऊपर से जो भी फैसले या हिदायत अख्तदार पजीर हुकूमत देती है, पुलिस इंतजामिया डंडे या जुर्माने के तौर पर आवाम से वसूल तो करती है, पर किसी में यह हिम्मत नहीं होती कि बड़े लीडरों से तुम इस पर अमल क्यों नहीं करते, ऐसा सवाल पूछे। एक और मामला कल भी देखा जाएगा कि किसान एहतजाज बेलगाम पहुंच चुका है किसान महापंचायत के लिए। किसान कई जरा के सिंह टिकैत बेलगाम महापंचायत को खिताब करेंगे। इस अवामी इजलास में 50,000 से भी ज्यादा किसान सीपीएड ग्राउंड में शरीक होने के इम्कान किसान काई बाबागौड़ा पाटिल ने जाहिर किया और ये भी कहा कि अगर कोरोना के बहाने किसी तरह की रुकावट की गई तो इसके लिए इंतजामिया खुद जिम्मेदार होगी। अब देखना यह कि किसान महापंचायत में कितने लोग शरीक होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर कहीं तो भी आवाम भी जहनी दबाव में आती नजर आ रही है। कोरोना के मद्देनजर जहां हुकूमतों की जानिब से सख्तियां बरतने की कोशिश की जा रही है, वहीं आवाम में एक तरह की बगावत भी दिखाई दे रही है। क्या भारत खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है या इसे जानबूझकर हुकूमत ऐसे हालात बनाना चाहती है जिससे हमेशा आवाम किसी न किसी मसले में उलझती रहे, ऐसे सवाल पूछे जा रहे। लिहाजा इसी के मद्देनजर नांदेड़ महाराष्ट्र में भी एक मामला पेश आया। हुजूर साहिब गुरुद्वारा में होली के वक्त होला मोहल्ला के नाम से जुलूस निकाला जाता है जिस पर कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां ऐद की गई थी। वैसे भी बढ़ते मरीजों के मद्देनजर लॉकडाउन का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया था, पर कुछ लोगों को इस लॉकडाउन पर भी एतराजात रहे। कुछ ने तो बढ़ते मरीजों पर भी सवाल उठाए। होला मोहल्ला को लेकर जब गुरुद्वारे से बाहर ना निकलने के लिए पुलिस ने कहा तो सिख माशरे के सैकड़ों अफराद हाथों में तलवारें ले गेट तोड़कर बाहर आए और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया, जिससे तकरीबन 5 से भी ज्यादा पुलिस शदीद जख्मी होने की बात कही जा रही है। पिछले साल लॉकडाउन के मद्देनजर आवाम काफी परेशान हो चुकी है और अब इस मुश्किल का सामना शायद आवाम करना नहीं चाहती। हुकूमत आवाम की भलाई के लिए फैसले तो ले रही है, पर कुछ लोग कोरोना या वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के लिए भी आवाम आगे नहीं आ रही, ऐसा कईयों का कहना है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि पुलिस वालों पर आवाम की जानिब से हमले बढ़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या इसके पीछे बेरोजगारी गरीबी तो नहीं, ऐसे भी कई इल्मी दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है। बेलगाम शहर में भी फिर से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की बात कही जा रही है। आज मंगल के रोज 19 पॉजिटिव मामले पाए जाने की बात कही गई। बेलगाम हीरे बागवाड़ी के आस्ताने मोहम्मद गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जदा नशीन पीर तरीकत हजरत सैयद आदम उर्फ कमालुद्दीन शाह कादरी का आज अचानक इंतकाल होने से बेलगाम जिला और अतराफ में गम का माहौल देखा गया। सैयद कमालुद्दीन शाह कादरी की उम्र 65 साल थी। हासिल इत्तला के मुताबिक कल रात अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक 11 बजे इस दारे फानी से कूच कर गए। बागेवाड़ी दरगाह के पीर मंजले दादा के नाम से मशहूर थे। अचानक हुए इंतकाल से मुरीदों को सदमा पहुंचा। आज बाद मगरिब आस्ताने कादरिया में मदफन के फराइज अंजाम दिए गए जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। हजरत सैयद आदम और कमालुद्दीन शाह कादरी के अचानक रिहलत फरमाने से पूरे बागेवाड़ी में गम का माहौल रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मगफिरत फरमाए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।